नमस्कार, मैं हूँ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए जानते हैं क्या है आज की गुड न्यूज। अगर आपका मन हैदराबादी बिरयानी खाने का कर रहा है तो आप हैदराबाद से अपनी बिरयानी ऑर्डर करें और वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, अब ये संभव है। दरअसल जोमैटो ने इंटरसिटी लेजेंड्स नाम से एक नया इंटरसिटी फूड डिलीवरी सेवा शुरू कर रहा है। ये सेवा लोगों को अन्य शहरों के फेमस रेस्टोरों से सबसे प्रसिद्ध डिशेज ऑर्डर करने देगी। हालांकि कुछ मामलों में डिलीवरी में एक या दो दिन का समय लगेगा। अभी के लिए जोमैटो केवल गुड़गांव और दक्षिणी दिल्ली के निवासियों के लिए ही डिलीवरी विकल्प को सीमित कर रहा है, जिसका अर्थ है कि केवल इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग ही इंटरसिटी ऑर्डर दे पाएंगे। जोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने लिखा है कि नई सेवा ग्राहकों को कोलकाता से बेक्ड रसगुल्ले, हैदराबाद से बिरयानी, बेंगलुरु से मैसूर पाक, लखनऊ से कबाब, पुरानी दिल्ली से बटर चिकन या जयपुर से प्याज कचौरी जैसे प्रसिद्ध व्यंजनों का ऑर्डर करने और स्वाद लेने का मौका देगी। दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव में रहने वालों के लिए लेजेंड्स टैब एक बैनर के रूप में दिखाई देता है। हम इसे अपने जोमैटो ऐप पर देख सकेंगे। अभी ऑर्डर करने वाले शहरों की सूची में कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, बैंगलोर, मथुरा, चेन्नई, आगरा और भुवनेश्वर शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी को सौंप दिया है। उन्होंने नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इस पर पहले गुलामी का प्रतीक था, जिसे हमने हटा दिया है। नया नौसेना ध्वज शिवाजी को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाले इंजीनियर्स की तारीफ की और कहा कि इस शिप में जितने केबल और वायर हैं वो कोची से काशी तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत सिर्फ वॉरशिप नहीं, समंदर में तैरता हुआ एक शहर है। मोदी 9:30 बजे कोची स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराय विजयन मौजूद थे। इंडियन नेवी को शुक्रवार को नया नौसेना ध्वज यानी निशान मिला। इसमें पहले लाल क्रॉस का निशान होता था, जिसे हटा दिया गया है। अब बाईं ओर तिरंगा और दाईं ओर अशोक चक्र का चिन्ह है। इसके नीचे लिखा है शनो वरुण, यानी वरुण हमारे लिए शुभ हो। 31 जनवरी 1997 को नेवी से INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। अब तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से INS विक्रांत का पुनर्जन्म हो रहा है। केरल में कन्नूर की रहने वाली गोपिका गोविंद सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने एयर होस्टेस बनने का सपना देखा था। हालांकि कन्नूर में एक अनुसूचित जनजाति करीम बाला समुदाय से ताल्लुक रखने वाली गोपिका के लिए ऐसा सपना देखना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन गोपिका ने ना सिर्फ इस सपने को पूरा किया बल्कि आज 12 साल बाद 24 वर्षीय गोपिका एयर होस्टेस के रूप में नियुक्त होने वाली राज्य की पहली ST लड़की होंगी। गोपिका जल्द ही एयर इंडिया एक्सप्रेस में शामिल होंगी। गोपिका ने बताया कि जब वो छोटी थी तो एक बार उनके घर के ऊपर से एरोप्लेन गुजरा और उसी दिन से गोपिका ने ये सपना देखना शुरू कर दिया। वो जब भी एरोप्लेन देखती हैं तो उत्साहित महसूस करती हैं। गोपिका ने आगे बताया कि कोर्स बहुत महंगा था और इस कारण उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा था, लेकिन तभी उन्हें ST लड़कियों की शिक्षा के लिए एक सरकारी योजना के बारे में पता चला। इस बारे में उन्होंने पूछताछ की। बाद में गोपिका को वायनाड के ड्रीम स्काई एविएशन ट्रेनिंग अकेडमी में IATA कस्टमर केयर सर्विस में डिप्लोमा करने का प्रस्ताव मिला। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी।